नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कॉमिक्स बाइट के चैनल पर। देखेंगे आज कुछ डायमंड कॉमिक्स जिसमें हैं कुछ चाचा चौधरी के पुराने अंक, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। ये मेरे एक मित्र के पास था फेसबुक में और मैंने उनसे इन्हें मंगवाया है। और डायमंड कॉमिक्स अभी हाल ही में कुछ मैंने इशूज़ के अनबॉक्सिंग पब्लिश किए थे चैनल पर, आप चाहिए तो जाके चैनल पर उसका वीडियो भी देख सकते हैं। एंड दिस इज़ सम चाचा चौधरी इन इंग्लिश। लेट्स ओपन द पार्सल और देखते हैं प्रोडक्ट्स को। दोस्तों पैकेज खुल चुका है, कॉमिक्स आपके सामने हैं, चलिए देखते हैं इसे। पहला है चाचा चौधरी एंड साबूज हैमर। सो ये डी 297, मतलब जो इशू नंबर है 297 और इसका प्राइस है 15। सहारा टीवी, सो मैं समझ सकता हूँ ये ओरिजिनल नहीं है, इट्स अ रीप्रिंट। बैकग्राउंड 2002 और 1 के आसपास की कहीं एरा की है ये, और डेलिकेट है नो डाउट। और ये देखिए प्राण साहब का यहाँ पे कुछ एक जीवनी जो देते थे वो भी है, और यहाँ पे उनका ये साबू और चाचा चौधरी का आर्टवर्क, क्या बात है। छपे रुस्तम स्मगलिंग, तो मुझे पता नहीं ट्रांसलेशन कैसे होंगे, आई होप सो ये अच्छे हों। और पीछे कॉमिक वर्ल्ड का एक ऐड भी है, और क्या बात है। दिस इज साबूज हैमर, साबू का हथौड़ा, अगर आप ने पढ़ी हो तो हिंदी में। चाचा चौधरी और अटैक ऑन साबू, तो ये साबू पे अटैक की एक कहानी है जहाँ पे तोप से उसे मारा जा रहा है। ये फर्स्ट प्रिंट लग रहा है जी, पीछे ऐड से समझ में आ रहा है। और ये देखिए प्राण जी की यहाँ पे प्रोफाइल दी हुई है, एंड देन अटैक ऑन साबू, सीधे कॉमिक शुरू हो रही है। ओल्ड प्रिंट है, काफ़ी ओल्ड प्रिंट है, देख के समझ में आ रहा है। ओ ये देखिए, ओ अभी आई हैव टू रिपेयर दिस, काफ़ी पुरानी है ये। और पीछे कुछ ऐड भी है, मैंड्रेक वन, सो मैंड्रेक वन जब आई थी तब का है। और पीछे कुछ ऐड भी दिए हुए हैं इंग्लिश के, देखिए चाचा भतीजा ताऊजी महाबली शाका, सो ग्रेट टू हैव इट, जस्ट आई नीड टू फिक्स इट। ओके देन वी हैव चाचा चौधरी इनकाउंटर विथ राका। सो हियर कम द डेडलीस्ट विलन ऑफ द कॉमिक्स वर्ल्ड, आई विल से सो, बिकॉज राज का से ज़्यादा कोई भी खतरनाक विलन आज तक कभी हुआ नहीं है कॉमिक वर्ल्ड में। एक तो वो अमर है, लाइक ही कैन नॉट डाई ड्यू टू द वैदराज चक्रमाचार्य सीरम विच ही आई थिंक ड्रिंक पहले इशू में उसने पिया था वो, एंड और बेसिकली ये बहुत ही खतरनाक है, ये फेरोसिस बिल्कुल एक विलेन था, बहुत खतरनाक। ये भी रिप्रिंट लग रहा है मुझे, यस। और एनकाउंटर विथ राका, टू गुड, बहुत बढ़िया कहानी होने वाली है। नॉट श्योर यहाँ पे ये पेड़ में दबाते हैं या फिर समुद्र में फेंकते हैं लास्ट में, कुछ तो एक है यहाँ पे। अच्छा बवंडर पे फेंक देते हैं इसमें, ओके ओके। सो राका कभी मर नहीं सकता था, हर बार उसे एक ओपन लूप में छोड़ दिया जाता था, आपको बताऊं मैं तो यहाँ पे भी एक ओपन लूप में से छोड़ दिया गया। एंड दिस इज अकबारी खजाना इन हिंदी, द ग्रेट ट्रेजर ऑफ अकबर, सो क्या बात है यार, टू गुड। इट्स अ रिप्रिंट बट कवर ओजी है, ओरिजिनल कवर है, यही ओरिजिनल कवर था। और आर्टवर्क देख सकते हैं अब काफ़ी पुराना है, काफ़ी काफ़ी पुराना है, बट टू गुड, दिस इज व्हाट आई लाइक। तब तक कॉमिक वर्ल्ड आने लगी थी मार्केट में। शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरीज बट एंटरटेनिंग एज वेल। ओके स्टॉर्म ऑफ राका नाम, क्या बात है, राका का तूफान, बहुत डेलिकेट, बिल्कुल खुल रही है, आई हैव टू रिपेयर इट, काफी पुरानी है, ओ माई गॉड, देख रहे हैं आप, ओरिजिनल प्रिंट है, बिल्कुल फट रही है तो काफी रिपेयर करना पड़ेगा। और ये बवंडर से शायद राका निकल आया, तो यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, बहुत ही डेलिकेट, स्टॉर्म ऑफ राका। देन व्हाट वी हैव, ओके प्रीशियस डायमंड, अगेन दिस इज रिप्रिंट, ये भी रिप्रिंट है।
बट कवर ओरिजिनल है, सो आई थिंक इंग्लिश ज़्यादा रिप्रिंट नहीं हुई, बट ओरिजिनल उन्होंने कवर रखे थे। बाद में जो रिप्रिंट्स आई वो बहुत ही भद्दे कवर्स में आई थी, विच आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद आती थी वो, कुछ ग्राफिक डिज़ाइंस के साथ, सो आई डोंट लाइक इट, कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ। सो ओरिजिनल कवर अभी भी बेस्ट है, और आप आर्टवर्क देख सकते हैं, दिस इज़ द ओरिजिनल आर्टवर्क ऑफ प्राण जी। तो अच्छा, ये खानी पड़ी है शेर वाली, बहुत कमाल है। सो दिस इज प्रीशियस डायमंड, 1 करोड़ का हीरा। एंड फाइनली देयर इज शेख इब्न बतूता, दिस इज लुक्स लाइक अ डाइजेस्ट, 20 रुपीज़ है, काफ़ी थिक है। ओके, प्रिंट भी नया है, सो इट्स अ न्यू प्रिंट, और हाँ ये रिप्रिंट है, पेज क्वालिटी से समझ में आ रहा है, बीच में जब पेज क्वालिटी उन्होंने चेंज कर दी थी तो ऐसे ये एक पल्प वाले पेपर में छापते थे, तो ये वही वाला पेपर है, बट आर्टवर्क इज़ गुड, कॉमिक बुक इज़ गुड, सो आई हैव नो इशूज़ विद इट, बहुत अच्छी है किताब। सो ये थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग गाइस डायमंड कॉमिक्स की, आपको ये कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, कॉमिक्स बाइट।